इसका। मेरा आईडी सब है मेरे पास, आपको आईडी भी पूरा दिखा दूंगा, ऐसा कुछ फ्रॉड वाले नहीं है। और मुझे मालूम है यार, मैंने पहले भी लिया हूँ, पहले भी है, पहले बार डिफॉल्ट मैं शायद घर पे भूल गया, मैं यहीं रहता हूँ जोगेश्वरी में, आपको आईडी लेके आऊंगा। नहीं बट सर मुझे आईडी लगेगा आपका दिखाने के लिए पहला। जैसे कि आप लोग ने देखा यहाँ पे स्टार्टिंग में, जैसे कि एक व्यक्ति के घर रिकवरी एजेंट आए थे, उनसे उन्होंने आईडी प्रूफ मांगा तो बोले कि आईडी प्रूफ नहीं है, आएंगे लेकर के अगले दिन, आप लोन जो है वो डिफॉल्ट जो की है उसका पेमेंट कर देने के लिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लोन रिकवरी एजेंट के बारे में इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल्स में बात करने वाले हैं, तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग ने भी किसी भी एनबीएफसी एप्लीकेशन जैसे किस्ट, नावी, एम पॉकेट, पॉकेटली, स्टैशविंग, कोई भी कंपनी है जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है या बैंक जो कि आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है, ऐसे केस में आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग के घर जब भी रिकवरी एजेंट आए तो आप लोग को ये दो सिंपल स्टेप उठाना है। कौन कौन से स्टेप है स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्वागत कर लेते हैं आपका हमारे चैनल लोन असिस्ट इंडिया पे, जहाँ पे आपको लोन के रिगार्डिंग सारी कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये रिकवरी एजेंट क्या है। रिकवरी एजेंट आप लोग को समझ जाना चाहिए कि रिकवरी एजेंट को बैन कर दिया गया है, कोई भी रिकवरी एजेंट, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट नहीं आ सकते आपके घर। और यहाँ पे जितने भी आपको घर पे आते हैं रिकवरी एजेंट, कोई भी इम्प्लॉय नहीं होते हैं उस कंपनी के, एनबीएफसी एप्लीकेशन या फिर बैंक के इम्प्लॉय नहीं होते हैं, ये हायर करते हैं ये लोग थर्ड पार्टी एजेंसी से और उनको बोलते हैं कि जाकर के लोन रिकवर कराने के लिए। इस पे आरबीआई की गाइडलाइन साफ साफ मना करती है थर्ड पार्टी एजेंसीज को डेटा दे करके और किसी के घर भेज करके उनको मेंटली हैरास करने का। अगर आप लोग के पास दम है तो आप लोग अपने इम्प्लॉय को जाकर के दिया करके भेजिए और उनसे रिपेमेंट कीजिए, रिपेमेंट निकलवाइए, ऐसा कीजिए। अगर ये लोग वैसा नहीं करते हैं तो आप लोग इनके ऊपर कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। ये लोग इलीगल वे में आपके घर रिकवरी एजेंट भेज रहे हैं जो कि थर्ड पार्टी एजेंसी से हैं। तो इस केस में आप लोग को सबसे पहले कैसे पहचानना है उन लोग को कि ये थर्ड पार्टी एजेंसी से आए हैं, तो सबसे पहले आप लोग को उनसे मांगना है आईडी प्रूफ। जब भी वो आप लोग के घर आए तो आईडी प्रूफ आपको मांगना है, और जब भी वो लोग घर आए तो आप लोग को वीडियो रिकॉर्डिंग, हमेशा आपको हर एक वीडियो में मैंने कहा है आपको कि आप लोग के घर जब भी रिकवरी एजेंट आए तो आप लोग को वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन रखना है। और उनसे क्या मांगना है, सबसे पहले उनसे आईडी प्रूफ मांगना है कि आप इस कंपनी से आए हैं तो इसका आईडी प्रूफ दिखाइए, एजेंट आईडी दिखाइए। आप एजेंट आईडी दिखाते हैं अदर तभी आगे हम आपसे कुछ बात कर पाएंगे, अदरवाइज आप अगर प्रूव ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप उस कंपनी से आए तो हम आपसे क्यों बात करें। तो अगर ये लोग आईडी नहीं दिखाते हैं तो दूसरा चीज बोलिए कि ऑथराइज्ड लेटर दिखाइए कि आपको अथॉरिटी मिला हुआ है, यहाँ से आप लोग पेमेंट करा सकते हैं, रिकवरी ले सकते हैं, आपके पास ऑथराइज है। अपना आईडी प्रूफ दिखाइए, आधार कार्ड दिखाइए, पैन कार्ड दिखाइए, कुछ भी। जैसे आप लोग से रिकवरी, आप लोग को तो पहचानना, आप लोग का हक है कि आप लोग वो जो आए हैं वो सच में उस कंपनी से है या नहीं है, ये तो आप लोग का अधिकार है। तो अगर वो लोग नहीं दिखाते हैं फिर भी पैसे मांगते हैं आपसे तो आप लोगों को क्या करना है, आप आईडी प्रूफ दिखाइए, आप ही मांग लीजिए पैसे उनसे। जैसे वो नहीं पता करा पा रहे हैं कि आप वो कंपनी से आए हैं तो आप लोग ही बोलिए कि हम ही उसी कंपनी से, आप लोग आपने लोन डिफॉल्ट किया, आप ही पैसा दे दीजिए, फिर वो पैसा देगा, आप उसको पैसा दे दीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जब भी रिकवरी एजेंट आए आपके घर तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सिंपली उनसे बात करना है, पहले एकदम आराम से बात करना है, दो चीज मांगना है, वो दो चीज दिखाने में असक्षम होंगे तो बोलिए कि भैया आप चले जाइए। मैंने एकदम आपको क्या करना है, कंपनी से वक्त मांगना है। वक्त मांगना कैसे, ईमेल करके उनसे अपना टाइम, अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए और टाइम कितना आपको लगेगा वो बताइए, बस आप लोग उसके ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर कंपनी सुनती है तो अच्छी बात है, नहीं सुनती है तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जब भी आपके घर रिकवरी एजेंट आए तो आप लोगों को ऐसा करना है, अगर वो लोग पैसा मांगते रहे तो आप लोग भी मांगते रहिए पैसा, ऐसा नहीं कीजिए कि वो लोग मांग रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर वो लोग पैसा मांग रहे तो आप भी पैसा मांगिए, क्योंकि वो लोग प्रूफ नहीं कर पा रहे तो आप भी नहीं प्रूफ कर पाइएगा तो आप भी पैसा मांगिए, क्या दिक्कत है? आप ही बोलिए कि आप लोग ने लोन डिफॉल्ट किया, हमें को पैसा दीजिए, आप हम ही इस कंपनी से, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे।
चले जाएंगे, उससे ज्यादा क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे लोन रिलेटेड कंटेंट हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप लोग को देखना है तो जाकर के देख सकते हैं, और किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।